हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप जो देख रहे हैं ये सोनी का एलईडी टीवी है दोस्तों। इसमें 2 टाइम बिलिंक है। मैं एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सेंसर है 1 2 2 टाइम बिलिंक है दोस्तों। ये 2 टाइम बिलिंग क्यों आता है, क्योंकि पावर सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज हो जाने के बाद मेन आईसी में जाता है, उसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये मैंने दूसरा एक रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, उसी हिसाब से ऐसा होता है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने वोल्टेज यहाँ पर मैंने किया, देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस 2 लगाया हूँ, एक जम्पर मार के यहाँ पर दिया हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो कि रेजिस्टेंस लगाने का कोई झंझट ही नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और एक ही बार में आपका ये 2 टाइम बिलिंग जो है, ये प्रॉब्लम जो है जो सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, 2 टाइम बिलिंग है, 2 टाइम जो बिलिंग हो रहा है वो बिलिंग सेल्फ हो जाएगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसमें 2 टाइम बिलिंग आता क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ इधर से 19 वोल्ट जो आता है इधर वो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, डिवाइडर सर्किट होता है, उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बना जाता है। 2 वोल्ट ये आईसी को मिलता है 2 वोल्ट। जैसे 19 वोल्ट यहाँ पर 24 वोल्ट मिल गया तो वो आईसी यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज दे देगा तो सारा जी का लाइन कर देगा, ये प्रोटेक्शन आईसी जो नहीं ख़राब होगा। उसके लिए 2 टाइम बिलिंग एक सिम का प्रोटेक्शन मोड है, एक सिम का बॉडी गार्ड जैसे रहता है, उस हिसाब के बनाया जाता है, सोनी का फीचर है। तो प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है 2 टाइम बिलिंग। तो 2 टाइम बिलिंग शिफ्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर 19 वोल्ट आता है, उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो जाता है, ये दोनों रेजिस्टेंस का शिफ्ट हो जाता है। इसलिए तो कभी कभी हम लोग रेजिस्टेंस भी आगे आपको मैं वीडियो दिखाया हूँ जो कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम अति ठीक हो जाता है, थोड़े 1-2 घंटा के बाद फिर से आ जाता है, या 1-2 दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाता है। इस प्रॉब्लम सदा के लिए दूर हो जाए, तो इसी के लिए मैं आप ये ऐसा एक ट्रिक बताऊँगा जो कि आप अच्छा से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 टाइम बिलिंग दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप डीटीएच का रिसीवर का ये बोर्ड है, ये रेगुलेटर आईसी जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो रेगुलेटर आईसी है दोस्तों, ये 1.8 वोल्टेज का इसका वैल्यू है। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये 1.8 है, जैसे देख रहे हैं आप 1.8 वोल्ट। देखिए दोस्तों, 1.8 वोल्टेज है, 3117 का ये रेगुलेटर आईसी है। तो इस रेगुलेटर आईसी से मैं क्या करूँगा, 3 वोल्ट देकर मैं 1.2 वोल्टेज लेकर मैं यहाँ पर दूंगा, ये आईसी को दूंगा 2 वोल्टेज दूंगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेसर आईसी कभी कभी क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कम बेस होता रहता है, इसी वजह से ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो प्रोटेक्शन में 2 टाइम का बिलिंग का प्रोटेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में 4-4 टाइम का भी बिलिंग का प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो ये सबसे पहले इस वीडियो में 2 टाइम बिलिंग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, तो उसके साथ आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं ये रेगुलेटर आईसी में सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो बोर्ड है, अब 2 टाइम बिलिंग आपको कैसे समझ में आएगा कि यही रेजिस्टेंस पर हटाना है, वहीं पर जम्पर करना है, तो इस तरह का प्रॉब्लम दूसरे बोर्ड अगर ये बोर्ड है सेम टू सेम है बोर्ड, तो आप ये वीडियो देखकर अभी बना सकते हैं, और दूसरा बोर्ड होगा तो आप लोग कैसे कीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा समस्या ये है कि ताकि आप दूसरा बोर्ड में भी आप समस्या दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको EIC के अगल बगल जितने भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, अब सारे वोल्टेज चेक करना है, 19 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ये 19 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है। तो ये रोटेटर आईसी है, यहाँ पर 19 वोल्ट आउट होता है, यहाँ पर एक मीटर का प्रॉप रखना है, मीटर के रेंज ये बीप मीटर पर रख देना है, और उसके बाद ये चेक करना है। तो मैं जैसे आपको चेक करके मैं दिखाता हूँ, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने बीप कर दिया हूँ,
जैसे अब रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, कैमरा को मैं नज़दीक करता हूँ, थोड़ा नज़दीक देखिए, यहाँ पर बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो मैं इस हिसाब से मैंने पता लगाया कि यहाँ पर 19 वोल्ट है डायरेक्ट, यहाँ से 19 वोल्ट आ रहा है और वहाँ पर बीप बज रहा है। तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाकर और वैल्यू शिफ्ट किया, एक किस्म का डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। जैसे डिवाइडर सर्किट बना जाता है, एक रेजिस्टेंस को मैंने वोल्टेज दिया और उस एक अगले रेजिस्टेंस को मैंने ग्राउंड किया। तो वो ग्राउंड देखिए, एक रेजिस्टेंस वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उस रेजिस्टेंस के बाद जो ग्राउंड किया गया है, तो ग्राउंड करने के बाद क्या होता है, किसी का डिवाइडर सर्किट बन जाता है। डिवाइडर सर्किट मतलब ऐसा मतलब है, जैसे कि आप हम किसी को 19 वोल्ट दिए, आए कि वोल्टेज से ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ करने के बाद वो वोल्टेज शिफ्ट हो जाता है, कि एक किस्म का फिक्स वोल्टेज हो जाता है। तो उसी फिक्स वोल्टेज आईसी को मिलता है, तो वो आईसी समझ में आ जाता है उस आईसी को, यहाँ पर वोल्टेज सही तरीका से आ रहा है। तो कभी कभी होता है क्या है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाने के बाद जैसे वैल्यू शिफ्ट हो गया, उसी वजह से प्रोटेक्शन मोड आने लगता है। तो इस प्रोटेक्शन मोड का रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों का अगर सेम टू सेम रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कतरा मैं रूटर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं एक जंपर मार दिया हूं, देख रहे हैं आप दोस्तों, जंपर मार दिया हूं और मैं रेगुलेटर आईसी यहां पर लगाकर मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने ये रेगुलेटर आईसी मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया हूं, लगा दिया हूं। तो यहां पर जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, यहां पर 3 वोल्टेज आउट कर रहा है। तो 3 वोल्टेज यहां पर मैंने दिया रेगुलेटर का इनपुट पर, और आउटपुट हम ले रहे हैं 1.8 वोल्टेज। तो 1.8 वोल्टेज यहां पर मैंने दे दिया और रेजिस्टेंस मैंने दूसरा रेजिस्टेंस 19 वोल्ट से कनेक्ट था उसको डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ पर फिक्स वोल्टेज आईसी को मिलेगा 1.8 वोल्टेज। तो ये आईसी को समझ में आ जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज सारा वोल्टेज ठीक है, मैं टीवी को ऑन कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटेक्शन मैंने रिमूव कर दिया, एक किस्म का अच्छा तरीका से समझिए। तो मैंने आप देख रहे हैं इस किस हिसाब से मैंने सेट कर दिया, ग्राउंड नीचे की तरह कर दिया हूँ और ऊपर की तरह मैं वोल्टेज दे दिया हूँ, अभी इसमें के वोल्टेज हो मैं आईसी में दे दिया हूँ। तो एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ इस हिसाब से मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं ऑपरेशन। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने लाइन दे दिया हूँ और मैं स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये रेड ग्रीन इंडिकेटर स्टार्ट हो गया और मैं आपको दिखाऊँगा, इसको पिक्चर दिखा कर मैं आपको दिखाऊँगा। ये 2 टाइम बिलिंग में नहीं आया, देखिए दोस्तों, ये इस पर कंपनी का कोई लोगो आ गया, देख रहे हैं, नो सिग्नल का लोगो देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप 2 टाइम बिलिंग को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 वोल्टेज है, मैं एक बार वोल्टेज नाप को भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 3.3 वोल्टेज है जो कि यहाँ से रेगुलेटर मैंने दिया। देखिए दोस्तों, रेगुलेटर लेने के बाद यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्टेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आउटपुट वोल्टेज देखिए 1.8 वोल्टेज है, ये यहाँ आईसी पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। ये समझिए कि ये बिल्कुल ये सेटअप चालू हो गया है। तो आप तो वोल्टेज देख लिए रेगुलेटर आईसी को, ये रेगुलेटर आईसी आप डीटीएच बोर्ड से कहीं से भी लाकर आप चालू कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये डीटीएच जो इंडिया की तरफ से जो फ्री में डीटीएच जो दिखाया जाता है उसी का रेजिस्टेंस, ये उसी में से रेगुलेटर आईसी मैंने निकाला, रिमूव किया हूँ। तो आप लगा के रिमूव करके चालू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।